लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर स्क्वायर रूट, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपने तीन एग्जांपल लिए हैं, इनको सॉल्व करेंगे और आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये आपका एक ऐसा मेथड है इसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दो डिजिट को साथ लिया अंडरलाइन कर दिया, दो डिजिट को साथ लिया अंडरलाइन कर दिया, कितना आ रहा है 33। तो यहाँ पे 33 के लिए हमने क्या ले लिया, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25। अब हमने 5 मल्टीप्लाई 5 क्यों लिया, उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 करने पर कितना आ रहा है 25, जो आपका लेस देन 33 है। अब यदि हम आगे 6 मल्टीप्लाई 6 देखें कितना आ गया 36, जो ग्रेटर देन 33 है। तो ग्रेटर देन वाला नहीं लेना है, किसको लेना है, लेस देन वाला। जो मल्टीप्लाई करने पर संख्या आ रही है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 33 या इक्वल टू 33, यानी 33 से छोटा होना चाहिए, 33 से कम होना चाहिए या 33 के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद 5 को यहाँ लिख देते हैं, क्या करना होता है, जोड़ना होता है और इसको घटाना होता है, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों आपका 8, और इसके साथ अगले दो अंकों की संख्या को ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे हम 8 लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं, इससे बड़ा आता, लेकिन 7 लिया, 7 का गुणा किया, 7 × 7 49 और 749 आ गया, किसको लिया हमने 7 को, फिर माइनस करना है प्लस करना है, कितना आ गया 114। यहाँ पर माइनस करने पर कितना आ गया आपका 4 और 0 104 आ गया। अब आगे क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00। आप कहेंगे हाँ, दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ लगा देते हैं और इसके साथ अगले डबल ज़ीरो ले आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करें, जैसे इसके साथ मैं 9 लेता हूँ और 9 का गुणा करता हूँ, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है या इससे छोटा आ रहा है या इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है। यदि इससे बड़ा आएगा तो हमें लेना नहीं है, तो गुणा कर दो, 99 81, 8 कैरी चला गया, 9 चौक 36 और 8 44, 4 कैरी आ गया, 9 4 13 1 कैरी आ गया, 9 1 10, यानी 10,341 आया, 10,400, यानी किसको लिया हमने 9 को, तो आपका कितना आ गया 10,341, जो देखिए यह जो संख्या ना इससे छोटा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस करते जो संख्या आएगी इसके साथ अपने अगले डबल ज़ीरो ले आएंगे और ये सेम स्टेप बार बार रिपीट करते रहना है। तो यहाँ पर 33 53 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आ गया, ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू आ गया कितना 57.9। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्या वैल्यू निकलता है 57857। दोस्तों वही सेम, दो डिजिट साथ लिया अंडरलाइन, दो डिजिट अंडरलाइन, अंदर आपका सिंगल डिजिट का नंबर आ गया कितना 5। तो 5 के लिए हमने क्या लिया 2 × 2 कितना होता है 4, किसको लिया 2 को, यहाँ लिख दो, फिर आपको ऐड करना रहता है, इसको सब्सट्रैक्ट करना रहता है, 5 − 4 1 आ गया। अगले दो जो डिजिट हमने इस प्रकार से पेयर बना रखे हैं उसको ले आते हैं, कितना बन गया 178, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके साथ जैसे मैं 4 लेता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ जाता है दोस्तों आपका 176, किसको लिया 4 को, फिर इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया का 2। इसके साथ हम अगले 2 डिजिट को ले आते हैं, इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई कराएं कि हमें 257 मिलना चाहिए। जैसे 1 लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका ग्रेटर देन 257 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में किसको लेते हैं 0 को, तो कितना आ गया 0, किसको लिया 0 को, यहाँ लिख दो। अब दोस्तों वही, इसको माइनस किया और इसको प्लस किया, अब हम क्या कर सकते हैं 0.00 इसको ऐसे लिख सकते हैं,
दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले डबल जीरो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें या तो यह मिलना चाहिए या इससे थोड़ा छोटी संख्या। देखिए मैं इसके साथ पाँच को लिया, पाँच का गुणा किया, कितना, पाँचों डी 25, आठों पंजा 40, चार कैरी चला गया, चारों पंजा 20 और चार कितना 24, किसको लिया मैंने अपना पाँच को, ठीक है। फिर वही आपका माइनस करना है प्लस करना है, आगे आप जहाँ तक कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ तक कर सकते हैं। ये जो आपका वैल्यू निकला है ये इसका वर्गमूल का वैल्यू कितना आ गया वैल्यू दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ 240.5। ओके चलिए इसका बात कर लेते हैं जो हमने लास्ट में लिखा, इसका वैल्यू क्या निकलता है, इसका 10625। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, दो डिजिट को साथ ले अंडरलाइन, दो डिजिट साथ ले अंडरलाइन, अंदर कितना आगे वन, वन के लिए वन मल्टीप्लाई वन, जिसको लेते हैं एक बार यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको तो जोड़ना है इसको घटाना है, वन माइनस वन जीरो आ गया, इसको हम यहाँ ले आए कितना बन रहा है 6 बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम 1 लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका ग्रेटर देन 6 आ रहा है, इन अपना 6 से बड़ा आ रहा है, तो फिर क्या करें, 0 लिया, 0 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0 0। इसको तो क्या करना रहता है एड, इसको माइनस, इसके साथ हम अगले दो अंकों की संख्या को ले आते हैं। अब क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, इसके साथ जैसे हम 3 लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 9 0 और 6, किसको लिया अपना 3 को। अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं संख्या को, 0.00 ऐसे लिखा जा सकता है, दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर देते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसको माइनस करते हैं, कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 6 1। और अगले डबल जीरो इसके साथ ले आते हैं, फिर इसको जोड़ना रहते हैं, 2 0 6 आ गया। अब इसके साथ हम कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें इसके क्या मिलना चाहिए, इसके बराबर या इससे छोटा। यदि इसके साथ दोस्तों हम 1 लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका क्या आ रहा है 1600 से बड़ा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लेते हैं 0 लेते हैं, 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया 0, किसको लिया 0 को। और इस प्रकार से माइनस करेंगे प्लस करेंगे और आगे दो चार स्टेप करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आगे आपका कुछ और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू, ये आपका इसका वैल्यू आ गया 10625 अनरूट का। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। धन्यवाद।